कहीं बर्फीला तूफान तो कहीं हद से ज्यादा गर्मी, कहीं हो रही है पानी की किल्लत तो कहीं बरस रहा है अंधाधुंध पानी। आखिर लोगों को ये बेमौसम मार क्यों झेलनी पड़ रही है? दोस्तों, इस समय जो दुनिया के बेमौसम हालात है उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से हर कोई प्राकृतिक मार झेल रहा है। कहीं भी मौसम गर्मी हो रही है तो कहीं बेमौसम बारिश और कहीं तो बेमौसम सर्दी का आना लोगों को परेशान कर रहा है। आखिर इन सभी के पीछे की वजह क्या है? क्यों बेमौसम मार लोगों को झेलनी पड़ रही है? जानेंगे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, इन दिनों दुनिया में एक अलग ही हलचल मची हुई है। कहीं हद से ज्यादा पानी बरस रहा है तो कहीं पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं। कहीं तूफान का डर लोगों के बीच मंडरा रहा है तो कहीं बर्फबारी लोगों का जीना हराम कर चुकी है। और गर्मी की बात करें तो कई ऐसी जगहें हैं जहां गर्मी ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि बेमौसम बारिश, गर्मी और बरसात आखिर कैसे हो रही है, इन सब के पीछे की वजह क्या है। दरअसल इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है, लेकिन एक ही देश के दो अलग अलग हिस्सों में इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मौसम बिल्कुल साफ है तो दूसरी तरफ आंधी, तूफान और बर्फ ने भयंकर रूप धारण कर रखा है। ऐसे में वहां के हालात काफी मुश्किल भरे हो चुके हैं और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तबाही लोगों को इंतजार कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौसम की बीमार ऑस्ट्रेलिया ही झेल रहा हो। स्पेन में भी 41 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और वहां भी गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। वहां इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग घर में रहने को मजबूर है। और तो और यहाँ के लोगों के लिए यहाँ गर्मी बर्दाश्त बाहर होती जा रही है। हालांकि मौजूदा समय स्पेन के कई शहरों में भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है और यहाँ का तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। इन सभी के अलावा मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ का सेल्सियस 43 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ लोग सर्दी से परेशान है। हालांकि कुछ ऐसे देश भी है जो बाढ़ से जूझ रहे हैं और पानी से भारी तबाही मचा चुका आसमान उन पर लगातार कहर बरपा रहा है। हालांकि आप जो वीडियो और तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दक्षिणी पश्चिमी रूस की है, जहां भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आप देख सकते हैं बाढ़ बारिश की वजह से आई है। दरअसल यहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखकर लोगों ने ये समझ लिया कि रूस तो पूरी तरह डूब गया। इतना ही नहीं, ये बारिश इतनी अचानक आई कि कुछ ही घंटों में तबाही का मंजर लाकर छोड़ गई। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जनाब कार में बैठकर बाहर निकलकर अपनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बीच रोड पर अपने कार के साथ पानी में फंस गए। वही तेज हवाओं ने मैक्सिको का जीना हराम कर दिया। देखिए कितनी तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां यहां चल रही है। यहां आनाथा नाम का तूफान आया है और इस तूफान ने जो तबाही बरपाई है वो लोग भूल भी नहीं पा रहे। हालांकि तूफान तो चला गया, लेकिन उसका असर अभी भी वहां दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी तबाही मचा कर गया ये तूफान। लोगों के घरों का जो दृश्य आप देख रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। इतना ही नहीं, तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले भी गिरने से यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। हालांकि दुनिया भर में जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहे हैं और तापमान में वृद्धि हो रही है, उसका असर पृथ्वी की धुरी पर भी पड़ रहा है। शोध से पता चला कि 1990 के बाद से ये बदलाव सामने आने लगे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्पष्ट रूप धरती पर बढ़ते इंसानी प्रभावों को स्पष्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह तापमान बढ़ने के साथ बड़े पैमाने पर पिघल रहे ग्लेशियर है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ध्रुवों में जो संतुलन है वो अस्थिर हो रहा है, जिससे पृथ्वी के झुकाव में भी वृद्धि हो रही है। पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों की स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती, वो लगातार बदलती रहती है। पृथ्वी इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक अदृश्य रेखा के सहारे घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की धुरी या अक्ष कहते हैं। हालांकि धुरी में बदलाव क्यों आता है, इसके पीछे बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिक पहले इसके लिए केवल प्राकृतिक कारकों जैसे महासागरीय धाराओं और पृथ्वी के भीतर गर्म चट्टानों और उनके पिघलने को ही वजह मानते थे। हालांकि सभी कारणों के बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते, और हाल ही में किए शोध के अनुसार 1990 के बाद से जिस तरह से पृथ्वी पर ग्लेशियरों में जमा करोड़ों टन बर्फ पिघल रही है, उनसे पृथ्वी के द्रव्यमान का जो वितरण है उसमें बदलाव आ रहा है, जिसका असर उसकी धुरी पर भी पड़ रहा है और उसमें बदलाव दिख रहा है।
इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता शान चेन डैंग के अनुसार 1990 के दशक से जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ तेजी से पिघल रही है वो धुरी की दिशा के बदलने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इस बारे में ज्यूरिख विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक विंसेंट हम्फ्रे ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह ही घूमती है। यदि उसके ऊपरी हिस्से से वजन हटा दिया जाए और दूसरी ओर कर दिया जाए तो उसके घूर्णन अक्ष में भी परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी के साथ ही ऐसा ही हो रहा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत ही पहले से प्रयास शुरू कर दिए थे। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के संयुक्त मिशन ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया, जिसके तहत दो उपग्रह भी लॉन्च किए गए। इस मिशन के आंकड़ों पर आधारित पिछले अध्ययनों में ध्रुवों में आ रहे बदलावों के कुछ प्रमुख कारणों को उजागर किया। उसके अनुसार उत्तरी ध्रुव के कनाडा से रूस की ओर खिसकने के पीछे पृथ्वी की बाहरी क्रोड में पिघलता हुआ लोहा एक कारण है। भूजल का बढ़ता दोहन भी हो सकता है एक वजह है। वहीं इन बदलावों के लिए स्थलीय जल भंडारण में आने वाला परिवर्तन जिम्मेदार है, जिसके अंतर्गत जमीन पर मौजूद सभी जल स्रोतों जिनमें ग्लेशियर में जमा बर्फ भी शामिल है उसके पिघलने और भूमि में मौजूद जल को निकालने के कारण संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे ध्रुवों में बदलाव आ रहा है। इस शोध से जुड़े शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया में जिस तरह 1990 के बाद से जल वितरण में बदलाव आ रहा है उसका असर ध्रुवों पर पड़ा है। हालांकि पृथ्वी की धुरी में ये जो परिवर्तन आया है वो उतना बड़ा नहीं है कि उसका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़े। इसका असर दिन की अवधि पर केवल कुछ मिलीसेकंड का पड़ेगा। उनके अनुसार ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरह इंसानी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव जमीन पर पानी के द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ रहा है। इन सब के लिए अकेले ग्लेशियरों का पिघलना ही वजह नहीं है, भूजल का बढ़ता दोहन भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है। विश्लेषण के अनुसार कैलिफोर्निया, उत्तरी टेक्सास, बीजिंग और उत्तरी भारत के आसपास के क्षेत्रों में पानी के द्रव्यमान में बड़े बदलावों का पता चला है। ये सभी क्षेत्र अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन कर रहे हैं। ये सभी तबाहियों की तस्वीर हमें ये बता रही है कि जितनी जल्दी हम जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देंगे उतनी जल्दी हम प्रकृति के मार से बचे रहेंगे। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है जलवायु परिवर्तन पर, जो इंसान प्राकृतिक मार झेल रहा है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारा इंतजार कीजिए। बाय।